दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जानना चाहा कि दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कथित तौर पर आधारित न्याय द जस्टिस फिल्म पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार 11 जून को रिलीज हुई थी या नहीं। इससे पहले फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर के पिता ने इस बारे में विरोधाभासी बयान दिए थे। एकल न्यायाधीश ने राजपूत की जिंदगी पर कथित तौर पर आधारित फिल्म की रिलीज या फिल्मों में उनके नाम या उनसे मिलते जुलते किसी किरदार को दिखाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील दाखिल की थी। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबाली और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने शुरुआत में सवाल किया कि क्या फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर पूर्व निर्धारित तिथि 11 जून को रिलीज किया गया। पीठ ने कहा, फिल्म रिलीज हुई है या नहीं बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो कोर्ट इस मामले पर अभी सुनवाई पर विचार कर सकती है। पीठ ने आगे कहा, अगर फिल्म रिलीज हो चुकी है तो क्या इसे पलटा जा सकता है। राजपूत के पिता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने कहा कि फिल्म को अभी रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन फिल्म निर्देशक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रलाल ने कहा कि उनकी जानकारी इसके विपरीत है। इस पर राजपूत के पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने सुझाव दिया कि मामले की आगे की सुनवाई करने से पहले इस तथ्य की पुष्टि की जाए। पीठ ने कहा, पहले तथ्यों की पुष्टि हो इसके लिए मामले को 25 जून के लिए सूचीबद्ध किया जाए। एकल पीठ ने राजपूत की जिंदगी पर कथित तौर पर आधारित फिल्मों की रिलीज पर रोक लगाने थे 10 जून को इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि फिल्में ना तो बायोपिक बताई जा रही है और ना ही राजपूत के जीवन में जो कुछ हुआ उसका तथ्यात्मक विवरण है। कोर्ट ने कहा था, मरणोपरांत निजता का अधिकार स्वीकार्य नहीं है। जयंत मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिक्कत केवल फिल्म की रिलीज को लेकर नहीं है बल्कि एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा जिस तरह से आदेश पारित किया गया उसे लेकर भी है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म निजता के अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करेगी और हर गुजरते दिन के साथ ये एक्टर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है। एकल पीठ ने कहा कि उसे निर्माताओं और निर्देशकों की दलीलें स्वीकार्य लगती हैं कि जो कुछ हुआ अगर उन घटनाओं की जानकारी पहले से सार्वजनिक है तो ऐसी घटनाओं से प्रेरित फिल्मों पर कोई निजता के अधिकार का उल्लंघन की गुहार नहीं लगा सकता। कोर्ट ने निर्माताओं से कहा कि अगर भविष्य में किसी तरह के मुआवजे की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति के लिए वो फिल्म के राजस्व का पूर्ण लेखा जोखा संरक्षित रखें। कोर्ट ने इसके साथ ही याचिका को निपटारे के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया था। सिंह की याचिका के अनुसार आने वाली या प्रस्तावित कुछ फिल्में न्याय द जस्टिस और इसके अलावा 2-4 फिल्में और हैं और एक अन्य अनाम फिल्म उनके बेटे की जिंदगी पर आधारित है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को नोटिस जारी किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका पर सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। सुशांत सिंह के पिता ने सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने सुशांत के जीवन पर कथित तौर पर आधारित फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वहीं फिल्म निर्माता और निर्देशकों के वकील डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने इस फैसले को हाई कोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी थी। कोर्ट ने शुक्रवार को सुशांत सिंह के पिता की अपील पर कोई रोक नहीं लगाई है। अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में मामले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कथित तौर पर आधारित न्याय द जस्टिस फिल्म पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार 11 जून को रिलीज हुई थी या नहीं पर जानकारी मांगी। कहा जा रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर के पिता ने इस बारे में विरोधाभासी बयान दिए थे। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर कथित तौर पर आधारित फिल्म की रिलीज या फिल्मों में उनके नाम या उनसे मिलते जुलते किसी किरदार को दिखाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोबारा सुशांत सिंह के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी कि सुशांत सिंह के पिता की याचिका के अनुसार आने वाली या प्रस्तावित कुछ फिल्में और एक अन्य अनाम फिल्म उनके बेटे की जिंदगी पर आधारित है। इसको लेकर सुनवाई चल रही थी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा उनके जिंदगी पर बन रही फिल्मों पर रोक लगाए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत पर बनने वाली फिल्मों से उनके पिता को क्या आपत्ति है, जो उनके साथ हुआ, उनके निधन के पीछे की क्या वजह है, वो सब कुछ सबके सामने आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके चाहने वालों से छुपा है, उनके चाहने वाले उनके साथ है। अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो उनके चाहने वाले उनके साथ एक बार फिर से खड़े हो जाएं। यहां हम उनके चाहने वालों के सेंस में बात कर रहे हैं, उनके फैंस की। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता का कहना है कि ये उनके परिवार और सुशांत सिंह राजपूत के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ होगा, लेकिन इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।